प्रदूषण की समस्या बढ़ गई है और पराली जलाने का केस भी बढ़े हैं। लिहाजा प्रदूषण बढ़ने की वजह को लेकर जिला प्रशासन अब सख्ती बरत रही है। ऐसे में जब कैथल जिला पराली जलाने के मामले में नंबर वन बन गया तो डीसी ने इसके लिए उन नंबरदारों को सस्पेंड कर दिया जिनकी ये ड्यूटी लगाई गई थी कि गांव में पराली जलाने की सूचना वो अधिकारियों को देंगे, मगर जब ऐसा नहीं हुआ तो जिला प्रशासन ने बिना बताए उन्हें सस्पेंड कर दिया, जिससे नाराज नंबरदार कैथल के लघु सचिवालय पहुंच गए और बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। किसी को भी करेंगे लड़ेंगे लोग, तुम मारे सिर फोड़ेंगे भाई, आज सब बड़ी बात ना, इतनी मशीन ना सरकार मशीन ना दो, सब्सिडी पर दो, वैसे दो, ये भी तो है ना, और भी टीम है, वीडियो है, तहसीलदार साहब है, सारे सारे जितने भी अधिकारी आए हम उनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, पर हमारे सूचना कैथल जिले के 38 नंबरदार सस्पेंड किए गए थे, ये जो पराली जलाने की शिकायत नहीं बताई जिन्होंने, ये मुद्दा था, और एक 60 साल से ऊपर जो हमारे नंबरदार हैं उनके मेडिकल फिटनेस के लिए कल परसों लेटर निकाला है, ये दो हमारे मुद्दे थे। हम डीसी मैडम को मिले हैं सभी नंबरदार पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट के, और डीसी मैडम ने आश्वासन दिया है भाई शुक्रवार तक हम इनको जो सस्पेंड किए गए हैं बहाल कर देंगे, क्योंकि हमने प्रार्थना की है भाई नंबरदार तो गाँव में भाईचारा बना के रखता है और कई बार ऐसी बातों से भाईचारा भी। अवशेष जलाए गए थे उसकी प्रशासन ने सारी जिम्मेवारी नंबरदारों पे डाल दी कि नंबरदार ये रिपोर्ट करें कि कहाँ आग लगी है, नहीं लगी तो उसकी एवज में डीसी महोदय ने सीवन और आसपास के कैथल जिले के 38 नंबरदारों को निलंबित कर दिया था। उसकी इस कार्रवाई के विरोध में आज जिला कैथल के सभी नंबरदार यहाँ एकत्रित हुए और हर एक ने अपने विचार रखे कि नंबरदार जनता और प्रशासन के बीच एक कड़ी है जो गांव के अंदर शहर के अंदर एक भाईचारा बनाती है, ना कि भाईचारा बिगाड़ने का काम करती है। इस दौरान जिले के सभी नंबरदार अपना मांग पत्र लेकर डीसी से मिले और बहाली की मांग की। नंबरदारों की माने तो वो अगर इस तरह की सूचनाएं प्रशासन को देंगे तो गांव में माहौल खराब हो सकता है, उनके पास सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं है, पराली जलाने की सूचना देना हमारा काम नहीं है, इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार है। उधर डीसी ने आश्वासन दिया कि मामले की जाँच कराई जाएगी और जिन नंबरदारों ने ठीक से काम किया है उन्हें बहाल कर दिया जाएगा। सर, शहरों के अंदर पोल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अस्थमा के पेशेंट्स के हैं वो भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है नंबर्स, तो कहीं ना कहीं इसके लिए एनवायरनमेंट पोल्यूशन जिम्मेदार है। तो इसमें कैथल में सबसे ज़्यादा आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जनरेशन का स्रोत है वो कैथल से है, और इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसकी कमजोरी रही है। इसमें हमने स्टाफ की ड्यूटी लगाई थी, नंबरदारों की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अपनी अपनी पट्टी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप हमें दें, भले ही हम उनका नाम गुप्त रख सकते हैं बट एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास आनी चाहिए थी, लेकिन उस पार्ट में इनका लैप्स रहा है। तो बहरहाल कुछ नंबरदारों ने प्रशासन को पराली जलाने की सूचना दी भी थी लेकिन फिर भी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ऐसे में डीसी क्या फैसला लेगी ये आने वाले 2 से 3 दिनों में पता चल ही जाएगा। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब के सिटी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।